यू कुड बी गुड टूडे बट यू स्टिल चूज टू बी गुड टुमारो मेज की तुम पे आज अपॉर्चुनिटी है अच्छा बनने की इम्प्रूव करने की बट यू स्टिल लुक एट द अपर्चुनिटी ऑफ टुमारो तुम कल की अपॉर्चुनिटी को देखते हो इग्नोरिंग द अपर्चुनिटी देट यू हैव टूडे तुम बोलते हो मेरे को जिम करना है, तुम बोलते हो मेरे को अपनी डाइट ठीक करनी है तुम बोलते हो आई वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स तुम बोलते हो मेरे को अपनी बुरी आजें छोड़नी है बट यू ऑल्सो से मैं उसको कल करूंगा तो मैं लगता है कि कल मेरे पे कोई ऐसी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे मैं सक्सेस अचीव कर लूंगा बट दैट इज नॉट द केस जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें तो कल मिलेगी वो तुम पे आज भी है राइट नाउ यू जस्ट इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ टूडे एंड फोकसिंग ऑन टुमारो कल क्या करूंगा कल कैसे करूंगा टाल रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ पे काम टाल रहे हो तुम यही बोलते रहते हो कल से रेगुलर करूंगा आज तो रेस्ट है यार आज तो नहीं है बस की मेरी तुम्हें पता है तुम कर सकते हो आज तुम्हें पता है कि मेरे पे अपॉर्चुनिटी है बट यू स्टिल चूज टू बी बेटर टूमारो देखो भाई प्रोकेस्टिनेशन ना सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है ये कीड़ा हर बंदे की लाइफ में एवरीबडी सफर्स फ्रॉम इट मेरा आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था लिटरली जेन्यनली मन नहीं कर रहा था आई एम लिटरली स्लीप डिप्राइव आज फॉर बिकॉज आई नो मैं बना सकता हूँ आई हैव द एनर्जी टू डू इट भाई दिक्कत तब आती है ना, जब लोग एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं टू फिक्स प्रोकेस्टिनेशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अप्रोच बहुत गंदा होता है पहले वो क्या करते हैं दे गो ऑल इन सबसे ज्यादा मुश्किल काम करने बैठ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टार्ट अबिट ऑफ मेडिटेशन ओके यू स्टार्ट विदार्डेस्ट थिंग मेडिटेशन फॉर ट्वेंटी मिनट ठीक है भाई तुमने कर भी लिया उससे हुआ क्या तुम्हारी ईगो सेटिसफाई होगी है और कुछ नहीं हुआ अब क्या गारंटी है कि कल तुम बीस मिनट मेडिटेशन करोगे या नहीं करोगे भाई कंसिटेंसी जरूरी है ना ये नहीं की तुमने महीने में एक बार मेडिटेशन कर ली हो गया वट इज द पॉइंट दैन फायदा क्या हुआ भाई बहुत लोग ऐसी फालतू चीजें ट्राई करते हैं अपने प्रोकेस्टिनेशन को फिक्स करने के लिए बट वो काम नहीं करती है

से येस टू दिंग्स दैट मैटर्स बाकी सबको भाड़ में जाने दो तुम अपने दिन में इतने सारे डिसीजन बनाते हो आधे से ज्यादा बकवास होते हैं आधे से ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं मोस्ट ऑफ आर यूजलेस ना तुम अपने आप को अलाउ कैसे कर रहे हो वो डिसीजन लेने के लिए आई आर यू टू देखो मैं तुम्हें ना ब्रेन पावर का कॉन्सर्ट बताता हूँ ये समझ के चलो जब तुम सुबह उठते हो ना तुम पे होती है हंड्रेड ब्रेन पावर एंड तुम जब भी उठते हो द फर्स्ट थिंग यू डू इज ग्रैब यूर फोन एंड एंडल बीस ब्रेन पावर पॉइंट तुम्हारे दिमाग से हट जाते हैं सो so, अब अभी तुम पे अस्सी है तुम्हें उन अस्सी पॉइंट से अपना काम भी करना है जिम भी जाना है मेडिटेट भी करना है रीडिंग भी करनी है बहुत कुछ करना है बट यू ओनली हैव एटी ब्रेन पावर पॉइंट क्योंकि तुमने बीस उड़ा दिए जस्ट बाय स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग सेशन के बाद तुम उठे ब्रेकफास्ट खाने गए तुमने भाई रोटी दबा के खा ली काब्स इनटेक तुमने बहुत कर लिया एंड राइट नाउ योर फीलिंग लथाजिक थर्टी ब्रेन पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग से चले गए ना योर ओनली लेफ्ट विद फिफ्टी ब्रेन पॉइंट्स उससे तुम्हें अब काम भी करना है उससे तुम्हें अब जिम भी जाना है उससे तुम्हें अब रीडिंग भी करनी है उससे तुम्हें और चीज़ें लर्न भी करनी है हाउ आर यून टू डू देट ठीक है अब तुम काम करने आते हो चालीस पॉइंट तो वो खा जाएगा दस पॉइंट में तुम एक हैबिट कर लोगे या मेडिटेशन या रीडिंग वो भी तुमसे ढंग से नहीं होगी बिकॉज योर लैकिंग ब्रेन पावर एंड एक दम से तुम्हारा दिन खत्म हो जाता है एंड नाउ यू थिंक भाई मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट किया थिंकिंग की मैं कहा गलत चले गया देखो थिंक ऑफ इट एज अ गेम ये सारे साइड क्वेश्चन जो मेरे को डिस्टार्ट कर रहे हैं आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द स्टोरी लाइन मेन स्टोरी लाइन पे फोकस करना है मैंने टू टू समथिंग समथिंग नो एल्स अपने दिन के बारे में ना थोड़ी जर्नलिंग करो थिंक अबाउट वट टेक इन योर होल फकिंग डे मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ मैं शाम में क्या करता हूँ मैं रात में क्या करता हूँ क्या मेरा मॉर्निंग रूटीन है क्या मेरा नाइट टाइम रूटीन है क्या मेरे पे एक शेड्यूल है क्या मेरे पे एक हैबिट ट्रैकर भी है लाइक like ब्रो बहुत लोगों के पास एक हैबिट ट्रैकर भी नहीं है मैंने कितना बोला भाई हैबिट ट्रैकर एक बना के रखो वो तुमको बताएगा कि भाई तुम कहां कर रहे हो लिटरली यू विल सी कि फक हाँ भाई ये हैबिट है ये हैबिट मैं कर नहीं पा रहा नो मैटर वॉट आई डू इसका मतलब तुम्हें उस चीज पे ज्यादा फोकस करना होगा बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है बिकॉज तो उनपे हैबिट ट्रैकर ही नहीं है वो पता ही नहीं वो क्या करते हैं पूरे दिन भाई दे लिव ऑन ऑटो पायलट जो हो रहे होने दो हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दो जिससे तुम्हें फायदा मिलेगा से येस टू तुम्हें फायदा देंगी बाकी सारी चीजें वेस्ट है बाकी सारी चीजें तुमको प्रोकैशनेट कराएंगे बिकॉज यू लिव ऑन ऑटो पायलट तुम अपने दिमाग को सोचने देते हो कि भाई हाँ अब सोच अब क्या करना है तेरे को यू लेट योर ब्रेन थिंक दैट इज द वर्स्ट फॉकिंग डिसीजन जब तुम्हारा दिमाग सोचता है ना वो ब्रेन पॉइंट लूज करता है इसलिए कहता हूँ भाई टाइम टेबल बनाओ अपने दिन को शेड्यूल करो क्योंकि भाई पता रहेगा तुम्हें कि इस टाइम पे मेरे को क्या करना है तो तुम्हारा दिमाग ये सोच में नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई तीन बजे मेरे को क्या करना है चार बजे मेरे को क्या करना है शाम के पाँच बजे मेरे को क्या करना है जब तुम ये सोचोगे ना ब्रेन पॉइंट्स तो तुम्हारे लूज होंगे प्रोकेस्टिनेशन की चांसेस भी बढ़ेंगे द सेकंड मिस्टेक यू डू इज यू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर नॉट इवन इन यूर कंट्रोल बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रो के बाहर है एंड यू ट्राई टू कंट्रोल दम तुम सोचते हो कि मैं इन चीजों को कंट्रोल कर पाऊंगा बट इन रियालिटी तुम कुछ कंट्रोल नहीं करते थिंग अबाउट दिस यू ओनली कंट्रोल योर सेल्फ यू ओनली कंट्रोल योर ब्रेन और किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स द बेसिक रूल ऑफ चोइसिज्म इज कंट्रोलिंग द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उनको ही कंट्रोल करो एंड दैट वन थिंग इज यू सारी चीजें कंट्रोल करने में पड़ जाते हो दैट्स वाई यू स्ट्रगल एंड वेन यू फेल टू कंट्रोल द थिंग्स यू टेन टू डू समथिंग जो तुम्हें फीलिंग दे कि हाँ भाई मैं इस चीज को कंट्रोल करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम्स अब देखो वीडियो गेम्स में ना तुम कंट्रोल में हो यू आर इन फुल कंट्रोल वीडियो गेम्स तुम्हें सेंस ऑफ कंट्रोल देते कि हाँ भाई आई मैनेज एवरीथिंग मैं सब कुछ कर रहा हूँ अगर हम गेम जीत रहे हैं तो ये मेरी वजह से हो रहा है इन द वीडियो गेम्स यू आर विनिंग बट इन रियल लाइफ यू आर नॉट वीडियो गेम की दुनिया तुम कंट्रोल करते हो दैट वर्चुअल रियालिटी इज बी कंट्रोल्ड बाई यू बट एक्चुअल रियलिटी में तुम स्ट्रगल करते हो बहुत सो so ऑब्वियसली भाई जो चीज तुम्हें ईजी लगेगी जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आई एम द सुपीरियर गाय वहीं जाओगे ना भाई वीडियो गेम्स ना डिजाइन ही इसी तरह करी गई है कि एट दी एंड ऑफ द डे तुम ही जीतोगे लाइक थिंक अबाउट दिस ब्रो तुम कोई भी वीडियो गेम खेल लो जब तुम हारोगे ये नहीं होता ना कि भाई गेम खत्म हो गई नो यू कैन ट्राई अगेन तुम फिर हारोगे देन ट्राई अगेन फिर हारोगे देन ट्राई अगेन यू नेवर लूज अ गेम एक्चुअल में वाई डू यू वेस्ट योर ब्रेन पावर ऑन दीज थिंग्स अपनी एनवायरमेंट अपना माइंड सेट अपना मूड अपनी डाइट अपनी हैबिट्स अपना शेड्यूल ये सारी चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो एंड जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल ब्रो इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे ना तुमको थर्ड प्रॉब्लम इज तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते उसी बहुत लोग स्टोइसिज्म को ये लेके चलते हैं कि भाई ये एक चीज है जिसमें हम एक पत्थर बन जाते हैं हम पे कोई इमोशन नहीं होते बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस स्टॉइसिज्म मीन्स बींग इन कंट्रोल ऑफ आर इमोशंस ये नहीं कि पत्थर दिल बन जाए इमोशंस दिखाए ना नहीं बट तो भाई आजकल तुम लोगों को देखो दे आर गिविंग इन टू देर इमोशंस भाई उनको जैसा फील होता है वो वैसा ही करते हैं बोर हो रहे हो इंस्टाग्राम खोलो स्क्रॉल करो भूख लग रही है ओ पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं कितना ही दूर है भाई पिज़्ज़ा मंगाना अभी डिलीवर कर दो अपने घर पे कितना दूर है पौन देखना जस्ट टू क्लिक्स अवे फ्रॉम वाचिंग पौन तुम्हारा ये जो मंकी ब्रेन है तुम्हारा लेजर्ड ब्रेन है ना य ये तो ऑब्वियसली प्लेजर के पीछे जाएगा इट हैज़ बिन डिजाइन लाइक दैट एंड ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है ये इंस्टाग्राम या पॉन हर्ब ब्रो ये चीज़ तुम्हारा फायदा उठा रही है ये चीज़ तुम्हारे अर्जिस का फायदा उठा रही है इनको पता है तुम्हें क्या पसंद है जस्ट ओपन योर इंस्टाग्राम फीड ब्रो चार पाँच घंटों के लिए स्क्रोल करते रहोगे तुम एंड तुमको पता भी नहीं लगेगा अब अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती जो तुमको पसंद नहीं है ऑब्वियसली तुम हटा देते ना उस ऐप को बट इंस्टाग्राम को पता है तुम्हें क्या पसंद है इसलिए तुम चार पाँच घंटे के लिए स्क्रॉल करते हो ये मत सोचना कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है ब्रो दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर अटेंशन। ये यूट्यूब ये इंस्टाग्राम दे आर फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। एंड यू जस्ट गिविंग इट अवे फॉर फ्री अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे तुम प्रोकैशनेट ही नहीं करोगे एंड ब्रो ईजियर सेट देन डन बहुत मुश्किल है करना जब तुम बोर फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली मन करता टी वी देखने का ऑब्वियसली मन करता स्क्रॉल करने का किसका नहीं करता भाई आर मंकी ब्रेन इज लाइक दैट आर मंकी ब्रेन इज बिल्ट लाइक दैट एवोल्यूशन के थ्रू बिल्ट हुआ ही है हम इसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते इट आज इट इट इज बिल्ट इन टू अवर सबकॉन्शियस बट अगर तुम अपने डिसिप्लिन को अपनी विल पावर को तुम इतना बढ़ा दोगे कि जब भी तुम्हें ये फीलिंग आए कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ यू स्टिल डोंट गिव अ फक एंड यू स्टार्ट टू डू द वर्क यू लिटरली डू द हार्ड वर्क स्पेशली वैन यू डोंट फील लाइक इट अब तुम्हारे जो बंदर वाला दिमाग है को तो ना एक केज में बंद करो एंड जब भी ये बोले ना मैं बोर हो रहा हूँ मेरे को जंक फूड खाना है मेरे को पिज्जा खाना है इसको भाई रख के एक थप्पड़ दो तू कंट्रोल में नहीं है मैं कंट्रोल में हूँ तू मेरे को कंट्रोल नहीं करेगा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप अब देखो ये चीज़ मैंने बता तो दी है तुम्हें पर तुम्हें इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए तुम अभी इसको चालू करोगे इम्प्लीमेंट करना प्रो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ट्रस्ट मी हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इट इज इजियर सेट देन डन दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ प्राइवेट कम्युनिटी मैं लिटरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन हाउ टू लेवल अप योर डिसिप्लिन हाउ टू लेवल अप योर विल पावर हाउ टू फोकस मोर ऑन वर्क हाउ टू कंप्लीटली रेडिकेट प्रोगेस्टिनेशन एंड मैं तुमको ये भी नहीं कहूंगा कि तुम्हें ये बाय करना ही होगा तब जाके तुमको इम्प्रूवमेंट्स मिलेगी नहीं ये ऑप्शन है तुम पे तुम ये खुद भी कर सकते हो हंड्रेड परसेंट तुम ये खुद कर सकते हो बट टाइम लगेगा ये मान के चलना तुम्हें इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी ट्राई करने पड़ेंगी चीज़ें तुम गलतियां करोगे अ वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड एट द एंड वो वाइज बंदा ही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट बनाता है बिकॉज वो अपना टाइम भी बचाता है साथ साथ सो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दैट क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई प्राइवेट कम्युनिटी बट या मैन दैस नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड टेक एक्शन